हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम UP SSSC पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन के, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? तो किस कंपनी को किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो एक कड़वाल वंश का शासक था, शासन था, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को हम क्या कहते थे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? दीनार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुप्त शासकों का युग सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाया। इस युग में बड़ी संख्या में सोने के सिक्के का प्रचलन हुआ। इसके साथ ही इस युग के सिक्के कलात्मक सौंदर्य और विविधताओं की दृष्टि से भी बेजोड़ कहे जाते थे। गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं को दीनार तथा चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? संलेखना का मतलब है उपवास द्वारा प्राण त्याग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय पुरातत्व का जनक कैसे माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंगम को जाना जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस अधिवेशन के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? गांधी जी, पहला ऑप्शन करेक्ट। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम कौन सा था? चंपारण आंदोलन 1917, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का विभाजन 1905 किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय, पहला ऑप्शन करेक्ट। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग, पहला ऑप्शन करेक्ट। उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ पर? तो ये तुर्की की बान झील में पाई जाती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो और फिर बताओ। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, ये कथन सही नहीं है। लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? उनको हम हेलोफाइट्स बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा सर राज्य समिति, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बैंक दर का आशय क्या है? बैंक दर का आशय यानी कि केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, पहला ऑप्शन करेक्ट। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? 20 लाख से कम जनसंख्या पर नगर पालिका जो है वो गठित नहीं की जा सकती, ठीक है, या पंचायत है। निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेने आवश्यक नहीं है? विधेयकों पर स्वीकृति देना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। भारत और USA दोनों में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्न रक्त वर्ग सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है, सर्वदाता कौन होता है? सर्वदाता ओ, सर्वग्राही AB, ठीक है। DNA की द्वि कुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा दी गई थी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से
को मिलाकर बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं इसे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दृष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो लोहे के चने चबाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत कठिनाई झेलना, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों को चुनिए, कौन सा शुद्ध वाक्य है? मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ वेद को चुनिए। अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? सुधी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मधुबनी। सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एक तरह आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बिहार की प्रसिद्ध कला है। और बोलोगे सर ऑप्शंस में बिहार तो है नहीं है, मिथिला तो दिया है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम पारिस्थिति तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? टाउन्सले ने, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अप्रैल 2022 में किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, कोंकण रेलवे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अप्रैल 2022 में किस संस्था ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? उच्चतम न्यायालय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अप्रैल 2022 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ पीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।